इट्स ट्रू इट्स लेजेंड यू कैन चेक दोस्तों आज हम मिले इंडियन फिल्म एक्टर्स रितेश देशमुख और साकिब सलीम से जिन्होंने हमें खूब सारी मजेदार कहानियां बताई और अपनी नई फिल्म कागुदा के बारे में बताया तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी पावर्ड बाय फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान

ये कहानी रथोड़ी गांव की है उस गांव में हर घर के बाहर दो दरवाजे एक बड़ा एक छोटा और जो छोटा दरवाजा जैसे आप सोमवार को आते हो हमारे गांव की कहानी मंगलवार को आती है अच्छा <laughs> तो मंगलवार को हर शाम सवा सात बजे काकुड़ा नाम का भूत गांव में आता है सोलह भी नहीं आता सात सोलह भी नहीं आता सात पंद्रह को आता है और आपको उसे अपने घर में इन्वाइट करना है इसलिए आपको अपने घर का जो छोटा दरवाजा है वो खुला रखना है गलती से भी अगर आपका दरवाजा सवा सात बजे बंद हो गया या बंद रखा तो आके वो दरवाजा खटखट आएगा आपने दरवाजा खोला तो फिर वो आपको आके लात मारेगा अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो पहले दरवाजे को लात मारेगा फिर आकर आपको लात मारेगा और लात मारने के बाद आपकी गिनती उल्टी शुरू हो जाती है तेरा दिन में आप मर जाते हो क्योंकि आपको एक कुबड़ा आ जाता है कुबड़ आ जाता है आप कुबड़े हो जाते हो और तेरा दिन में आप मर जाते हो तो, तो आपकी तेरहवीं के दिन सीओ टाटा सीओ टाटा एंड ये उस गांव के हर एक इंसान मानता है वो इतना रूल्स का पक्का है भाई भूत कि ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आप मंगलवार को आप सुबह आपको कहीं काम है आप चले गए तो आपने सुबह से दरवाजा खुला छोड़ दिया नहीं 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 you have to come around पे खुलना है कि करने की एक बार आइडिया भी देता हूं तो मुझे पता चलता है कि ऐसा एक बंदे ने किया था उसके दो दो कूबर निकल गए थे <laughs> भूत ने कहा तू ज्यादा स्मार्ट बन रहा है ये दो कूबर हाँ आप अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओगे कि क्या होने वाला है उस फिल्म में और आप क्या कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हो क्या जैसे भाई ने बताया एक रतौड़ी गाँव है जहाँ पर ये गांव गाँव को श्राप मिला हुआ है तो ऑफ़ कोर्स जो मेरा कैरेक्टर है सनी वो इस श्राप का बिलीवर है और बहुत ही मासूम दिल से साफ थोड़ा सा अंग्रेजी में कमजोर बट दिल का बहुत अच्छा एक लड़का है जो अपने पापा की मिठाई की दुकान पे काम करता है उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जो एक नाई है मिठाई के दुकान का नाम क्या है सनी स्वेट शॉप okay. <laughs> वो लिखना चाह रहे थे स्वीट बट अंग्रेजी में थोड़े शब्द नहीं थे उनके पास तो इसलिए वो स्वेट बन गया आ, सामने उसके दोस्त की दुकान है जो नई है और ये बस तफरी मारते हैं अपना अब इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो जिससे बहुत मोहब्बत करता है और वो उससे बहुत मोहब्बत करती है जो सोनाक्षी का कैरेक्टर इंदिरा है वो प्ले कर रही है एंड बिकॉज ऑफ

क्या कर रहे हो आप वहाँ पे मतलब एक तो दो तीन चीजें हैं एक तो फ्रीक्वेंसी मीटर है मेरे पास तो वो सिल्वर छतरी की तरह खुलता है और फिर मैं देखता हूँ कि कुछ अलग मैच हो रही टी डी टी डी आस पास कोई है तो चलो अभी देखते क्या हो सकता है एक है थर्मल मॉनिटर जिसकी वजह से पता चलता है कि आसपास कोई भूत का वास है या नहीं घोष मीटर घोष मीटर एक घोष मीटर भी है उसके बाद एक स्मार्ट कम्युनिकेशन जो होता है वो हमने नया टर्म सीखा है आज आज ही ही सीखा है एक हम एक्चुअल से, से, मिले तो उन्होंने हमको बोला एक स्मार्ट कम्युनिकेशन तो हमने सोचा कि अरे हमने भी फिल्म में किया तो बता दे कि <laughs> स्मार्ट कम्युनिकेशन पता नहीं था वो स्मार्ट कम्युनिकेशन होती है तो हमने तो फिर मेरे पास एक कैनवस और चाकोल है जिससे मैं स्केच बनाता हूँ और मुझ में खासियत है मुझे, में कि गोस्ट मुझे पुझे करके जो कहना चाहता है वो आर्ट फॉर्म में बताता है अरे वाह और फिर वो जो भूत है, है।, त्रेटे त्रेटे। त्रेटे भूत है वो जो है उसके बाद फिर हम उसे डिसाइवर करके देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है तो ये आता तो है सिचुएशन सॉल्व करने के लिए कितना कर पाता है नहीं कर पाता है वो अभी फिल्म देखनी पड़ेगी बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि रितेश क्या कर रहे हैं फिल्म में मेरे हिसाब से रितेश वही कर रहे हैं जो बेस्ट करते हैं आई थिंक सम ऑफ द मोस्ट हिलेरियस मोमेंट्स इन द फिल्म like कॉमेडीट बहुत जस्ट एक्टिंग कर रहे हैं. पहले क्या था कि <laughs> सिर्फ पेंटिंग करनी थी अब पेंटिंग करते करते वो कम्युनिकेट भी ah. कर रहा है। हाँ। ah. अब जो कम्युनिकेट कर रहा है तो वो कैसे आवाज में करेगा क्या तो यू आर ट्राइंग्यू थिंग्स एंड जब मैं ट्राई कर थे, तो ये, और these, ये और ये like तुमको तुम like तुम तुम डरना है, हो रहे हो। तो एकदम चल रहा है तुम तो ब, कौन, कौन सा सीरीज है वो गेम ऑफ थ्रो तो से, से बात करती है

क्योंकि अगर हमको रिसर्च करना पड़े तो क्यों साइन करो पिक्चर नहीं नहीं मैं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ फैक्ट दैट आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसर आई एम डायरेक्टेड अ फिल्म सिर्फ आई एम डायरेक्टिंग अ फिल्म रिसर्च इज माई जॉब आई से ओ यू आर प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ

और उसमें उस... भी उसमें भी लाइन एप्लीकेशन तो तो के लिए भी यू हैव टू बी दैट पर्सन ना वो ऐसी साइकी में घुसना और अब एक सीरियल किलर एक साइको सीरियल किलर मिली कर रहे हो तो वो उस, उसका प्रोसेस थोड़ा अलग था मैं आपको ये बताता हूँ क्योंकि एक विलेम में ना इवेंचुअली व्हेन यू आर वहां पर एक सीन था आम, जो पहली बार मैं आ, किसी लड़की का खून करता हूँ लड़की को बताता है कि मेरी जिंदगी प्रॉब्लम क्या है और मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ रीजनिंग इंसान भूत की एक, स्टोरी एक सीरियल किलर की एक बैक स्टोरी है तो वो जब ओ, मोहित ने एज अ डायरेक्टर टू मी हाउ डू यू प्ले इट कैसे बताओगे तो अभी तो मोहित ने भी सोचा था कि वो पड़ी होगी ना तो यू गो सिट नेक्स्ट टू द डेड बॉडी एंड टॉक टू द टॉक टू देन ई टोल मी यू नॉट टॉकिंग टू द डेड बॉडी वो जिंदा है hmm. और उसकी जान धीरे धीरे जा रही है एंड आप उससे बात कर रहे हो hmm. अब ये बड़ा कृपी था hmm. तो मैं सिर्फ देख रहा था और मैंने मोहित से पूछा कि क्या मैं इसके बाजू में लेट के बात कर सकता हूँ

पर हमारी परवरिश हमारे संस्कार हमारी एडुकेशन हमको ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है hmm. हमारे गुस्से पर हमको नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि ये इससे ये गलत होगा hmm. क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो फिर देन यू हैव दीट्यूड ऑफ थिंकिंग इससे क्या क्या होगा hmm. मैं करूंगा मैं जेल में जाऊंगा फिर मेरे घर पे फैमिली क्या होगा फिर ये होगा वो होगा इज इज दिस एक्ट वर्थ ऑल दैट नो आई आई डोंट वांट वांट टू डू दैट्स वन एक्ट टू हर्ट समवन दैट इज वन ऑप्शन ओके ये सारे एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी लिव इन अ सोसाइटी दैट इज गोइंग ऑन नाइसली ऑफ कोर्स देर आर एलिमेंट्स इफ आर यू केपेबल यस एट दैट मोमेंट इज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज एम आई केपेबल ऑफ किलिंग सममन लाइक दिस

No, oh. I, no, no. I, I, I would say for uh, it, it does uh, weigh heavy on you for a uh, for a mm. few moments. But um, now it's it's happened to many years difficult. ago. No, many years back, yeah. so, almost ten years back. Yeah. So it's very difficult to relive. Uh, did I carry it mm. for a very long time? I don't think I did. But yes, it gets you in a space where you actually. स्टार्ट थिंक है तो ऐसे क्या कैसे सुबह उठ के थोड़ी कोई सोचता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ क्या नहीं ऐसे नहीं होता वो कैरेक्टर आई थिंक ऑडियंस के लिए भी बहुत ही शॉकिंग था कि हमने रितेश को हमेशा एंजॉय कर रहे थे योर बेस्ट परफॉर्मेंस ओके थैंक यू एब्सोल्युटली थैंक यू थैंक यू इट वाज मतलब अलग ही जोन था वो एंड hmm. uh, एक नया रितेश हमें देख, देखने को मिला उसमें कि वाओ hmm. नो wow, बट थैंक यू नो इट इट्स ऑल थैंक्स टू मोहित सूरी एंड एकता कपूर Um, who actually uh, thought that I was, you know, um, capable of pulling this off. Having the image that I had mm -hmm. then strongly as just a comic actor and not someone known for drama. Um, or um, even Tushar Hiranandan in Milab Zagri who wrote uh, mm -hmm. the film, thought that I should be the one who should be cast for this role. So, mm -hmm. big thanks to them. being, the being...

ऑफ द बिल्डिंग पहला सीन सी माय फेस उसके बाद मैं घर में जाता हूँ मेरी बीवी के पास आई टच हर शी बैक एंड शी स्लैप्स मी करेक्ट नाउ आई से स्लैप इज अ पॉइंट वेर पीपल माइट लाव थप्पड़ मार दे और फिर वो कैरेक्टर बदल जाएगा सो मोहित टू मी नो ट्रस्ट मी दीट इट बाई दू रीच देव उटेमेंसर थैंक यू एंड साकिब जैसे hmm. अभी आपसे गलती हो गई मूवी में hmm. नहीं, नहीं oh. oh. okay. तो लाइफ में भी ऐसे कभी कोई गलती हुई है कि Uh, कुछ अन इन्वाइट कर लिया हो ऐसे जगह पे जाके गलती तो गलतियों का कुपला है मुझे बता मैं मैं सिचुएशन देता अच्छा ठीक है तभी फेवरेट गेम दो गिविंग सिचुएशंस टू पीपल ठीक कभी ऐसा हुआ है कि आपने दरवाजा बंद किया हां और वो बंद नहीं हुआ है नहीं नहीं नहीं, 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 मैं, नहीं, मैं नहीं पर, अच्छा और गलती से आपसे दरवाजा खुल गया मैं ही नहीं कह रहा हूँ कहाँ का दरवाजा है वो <laughs> मैं इमेजिन कर रहा हूँ <laughs> आप आप तो <laughs> ये नहीं पता होना चाहिए अंदर क्या हो रहा था ऐसा कभी हुआ है क्या आज क्योंकि जैसे मैं स्कूल में जा रहा हूँ आपके स्कूल टाइम पे दिल्ली में रहते थे तो बगल में एक हॉन्टेड बिल्डिंग थी मतलब राइट नेक्स्ट टू माय स्कूल वाज दिस बहुत पुरानी तीस माले की बिल्डिंग जहां हम बस एक दूसरे से शर्ट लगाते थे कौन ऊपर जा सकेगा सो so, अकेला तो कभी नहीं गया उस बिल्डिंग के ऊपर बट हाँ अपने पांच सात दोस्तों के साथ बहुत बार गया हूँ झूठी uh, कहानियां बना के स्कूल में सुनाई है hmm. बट वहां पर सिर्फ किसी की पुरानी चप्पल या हेलमेट ही मिला है ऐसा कुछ मिला नहीं है जिससे कुछ कंक्लूसिव मैं बता सकूं बट हाँ बचपन में एक पता नहीं आपके अंदर आई डोंट नो इट डेली इट्स अ थिंग कि आप में बहुत चुल होती है बहुत चुल <laughs> आपको नई नई चीजें करनी होती हैं। हाँ। लौंडे जब मिल जाते हैं तो उनको ऐसी रात को जाना होता है कहीं घर पे बोल के जाते हैं आइसक्रीम खाने जा रहे हैं यहाँ चाणक्यपुरी पे सुना था कोई बाबा है वो आईटीसी के ऑपोजिट एक जंगल है वहां पर अंदर वो भी किया है जंगल के अंदर कब्रिस्तान गए हैं रात को ये सारी हरकते की है बट uh, हुआ नहीं कुछ एंड नाउ वेन आई ट्राइंग टू दादी के घर तो के, के साइड निजामुद्दीन से थे वहां तो ऐसे बहुत लेजेंड्स हैं की ये जो फकीर बाबा हैं ये पहुंचे हुए हैं ऐसी ऐसी बातें बहुत होती थी कि वो जो ऊपर चाची रहती हैं वो पड़ोस की वो काला जादू करती हैं किसी ने कुछ देखा वेखा दे कुछ नहीं पर ऐसे इफ यू डोंट लाइक समबडी ना ऐसे छोटे बस्ती वगैरह में क्या होता है इफ यू डोंट लाइक समबडी आप कुछ बना देते हो कि ये काला जादू करती हैं ये ये आ, ये रोटी उल्टे तवे पे बनाती हैं ऐसे रैंडम चीजें आप बोलते हो जिससे कहानी बने ह, हमारे देश में ना एक लाइन है जो बहुत फेमस है ऐसा सुनने में आया।, आया है मैंने सुना है अरे कहां से सुन रहे हो मूवीज़ इससे पहले आपने डरना मना है किया। जी। जी। दुबारा किया। दुबारा दुबारा किया। जरूरी है? मैंने दोबारा तो दोबारा के सेट पे कुछ एक फ्रीकी सा इंसिडेंट हुआ था कि आप शीशे के सामने खड़े थे उसमें शूटिंग कर रहे थे

<laughs> यार ये बातें जो आप ले आते हो okay. था <laughs> <laughs> तो एकदम मतलब हालत खराब हो गई थी नाउ आई के लाफ अबाउट इट बट एट दैट पॉइंट यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है क्या बट थैंकफुली जिंदा वापस वापस आ गए लंदन में शूट थी उसकी राइट right. तो शायद फॉरनर भूत था तो बच गए उससे <laughs> जैसे आप जब भी हॉरर की अराउंड फिल्में बनाते हो तो जैसे तो sure, नहीं है कि हॉरर हॉरर है नो नॉट एट ऑल माय किड्स आर इन लव विद द प्रोमो ऑफ द फिल्म उन्होंने मेरी से दो फिल्में देखी है एक टोटल धमाल और एक वेड और उसके बाद अगर उनको कोई फिल्म देखनी है तो ककुड़ा तो वो दिन में बीस बार प्रोमो देखते हैं, लूप लगा के अच्छा लूप पे देख रहे वांट टू सी के आल्सो एंड चिल उसमें भी जैसे ट्रेलर में आप देखते हो तो ऐसा नहीं है कि हॉरर नहीं फील होता वाइब है नहीं, तो अगर हॉरर हॉरर कॉमेडी की ना इट विल ओनली वर्क अगर हॉरर फील होता वरना इट इट्स इट्स पॉइंटलेस कॉमेडी उससे आ रही है कि जैसे आप डर रहे हो उस हॉरर से डर रहे हो नहीं नहीं करेक्ट और डर लेकिन डर रियल होना चाहिए अगर वो रियल ना हो कि अगर ये लोग तो मरने वाले दिस है ट्रूथ फॉर हॉरर कॉमेडी तो आपके साथ जैसे आपने डरना जरूरी है क्या ये वाली हॉरर की फील थी तो ऐसा कुछ हुआ इंसिडेंट के ऐसा लगा कभी के यार आ, ये क्या हुआ मेरे साथ कभी? नहीं आ, कुछ कुछ महीने पहले मैं लखनऊ में शूट कर रहा था रेड टू के लिए और लखनऊ में एक लोकेशन थी वहां पर जहाँ शूटिंग के लिए लेके गए इट वाज अ ओल्ड पैलेस प्रिंसली कोई नवाब का कोई पुराना पैलेस होगा and it was also apparently a palace for one of the ladies of that nawab who was kept there. Hmm. so it was a palace जहाँ पर uh, probably it was used for entertainment hmm. kind of a space but it was big hmm. मतलब ऐसे चार पांच हॉल थे वहाँ पर मैं it, it was that bigger palace but deliberate condition थी. और वो भी सीन ऐसा था जहाँ पर एक deliberate जगह पर किसी को पीटा जा रहा है और वहाँ से शॉट कम हो गया तो आई वो जस्ट आई मीन आर्किटेक्ट्स आई लाइक टू सी करे अमेजिंग जगह है देखते क्या है तो मैं जा रहा था स्टेकेस वो एज लाइक वेरी ब्रॉड स्टेकेस गोइंग अप एंड डाउन तो उन्होंने कहा कि ऊपर मत जाइए लॉक किया है ऐसे क्यों <laughs> तो किसी ने बोला कि ऊपर कुछ भूट टाइप है कुछ बातें हैं।, बाते हैं।, बाते हैं सुना है सुना है ऐसा सुनने में आया है <laughs> तो फिर आ, मैंने आ, और हुआ नहीं, नहीं, और नहीं, नहीं हुआ मैं बट मुझे ऐसा लगा कि कंडीशन में क्या होता है ना आप ऐसा माहौल फैला देते हो ताकि लोग ऊपर ना जाएं। कि गिर जाए कि कि आप जाएं। ऐसे चलते चलते छत गिर गया, गया तो ऊपर भूते तो कोई जाएगा नहीं सो आप रोकने के लिए कभी कभी ऐसी कहानी बना देते ओके फिर मैं चल रहा था एक ऐसे विंडो के पास एक स्टेक गोल करके नीचे आई एम वेरी इंट्री आई लव आर्किटेक्चर

और ये लाइन के आगे पिच ब्लैक है ओके okay, ऐसा भी नहीं की लाइन पेनेटेड होके और मैं देख रहा हूँ मैं जाऊं नहीं जाऊं और मेरा शॉर्ट भी आ रहा है एंड आई वॉज ऑल्सोर चिल्स वो नीचे वॉज ओके नीचे ठंडी हवा आ रही थी तो यू फील कि बेसमेंट से ठंडी हवा आई रही मैंने सोचा मैं जाऊं नहीं जाऊं ऐसे ऐसे भी बीमारू मैं ये भी अंदर जाके कुछ और दूसरा चिल्लाएगा अब मुझे भी धीरे बार पता नहीं चलेगा कि मुझे बुखार एक्चुअली पहले से है वही है या कोई दूसरा चढ़ गया है और वहां से मैं निकल गया पर अब जब सोचता ना मुझे लगता है कि जाना चाहिए था जस्ट टू एक्सप्लोर आप बहुत ब्रेव हो वो सीमा रेखा तक चले गए मैं सीढ़ी देखता और अकेला जाना था मैं रहने। उसके साथ जाता जाना होता

कहते हैं ना उस मिल में आग से ही थे। आप, कुछ है, नहीं है नहीं नहीं, काम करते थे फैक्ट्री वर्कर्स वहां पे आग लगी कॉटन मिलती हो नहीं पता कौन सी मिलती था फिर उसके बाद वो सिल्क का कुछ कपड़ा बनाते थे और फिर आग लग गई वहां पे एटीज में और तब से वो खंडर पड़ा ऐसा था आग मुझे ये नहीं है आई हर्ड इट burned down. दैट आई डोंट आई डोंट आई एम नॉट टू श्योर दैट दैट इज अ स्टोरी फॉर द व्हेन द मिल वाज बर्न डाउन और इट वाज शट डाउन इट वाज शट डाउन आई डोंट थिंक इट वाज बर्न डाउन बट आग जलाने वाली चीज मुझे नहीं पता नहीं अब स्टोरी के लिए अच्छी बात है इट्स ट्रू इट्स ट्रू इट्स लेजेंड यू कैन चेक I'm not I, making I know one thing cooler. that वहाँ पर um, I don't know there's some it was it Remo's team or whether it was Ganesh Masters team one of the

ये वीडियो शूट नहीं हुआ है मूवी हुई कुछ नहीं है पर तो जैसे आप लोग मानते हो इन सब चीजों में कि मिस्टिकल चीजें एग्जिस्ट करती हैं जैसे एक साइड भगवान है एक साइड डेविल है आ, एनर्जी तो होती है एनर्जी होती है जैसे रितेश आपने नाम बदला अपना नाम no, न्यूक्लॉजी हाँ, तो, हाँ, तो हाँ. आप मानते हो इन सब चीजों में नो इट इज अ ट्रेन स्टोरी ईएस कम आउट हां आई वाज़ शूटिंग फॉर मस्ती ओके सो देयर वाज दिस वन असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर हुज नेम वाज डॉक्टर नीरज।, hmm. Hmm. नीरग, नीरज 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 hmm. नीरज तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि आप को ना मैंने पूरा ये चेक आपको एक आई ऐड करना चाहिए hmm. आपके नाम में करेक्ट तो मैंने ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो थ्रू आउट द फिल्म करो ऐड करो ऐड करो एंड देन इवेंचुअली जब क्रेडिट फाइनल जा रहे थे प्रिंट में ही कॉल्ड मी क्या करना है क्या ऐड करना है क्या करना है ऐसे क्या करना मतलब मैं ऐड तो करूँ क्या? कर लो, है? कर लो। तू यार एड नहीं तो मुझे आपका सरनेम ड्रॉप करना है। तो व्हाट डू मीन? इन्साफ रितेश देशमुख जस्ट ड्रॉप द सरनेम। आई जस्ट वांट रितेश। ऐसे कर। इट वाज़न के सोच के कोई पंडित बुला के कुछ साइंस में साइंस में नहीं नहीं उसका बिलीफ था।

ये ये कैसे फिर क्या कुल आ रही थी मेला <laughs> देशमुख <laughs> निकाल दो <laughs> वो चल गई ये <laughs> क्या हो क्या रहे? मैं कुछ कर रहा है, तो या तो, नाम ही कर रहा है सब कुछ सब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इट्स जो भी है मेरे पासपोर्ट पे आई नहीं है लेकिन मेरे बच्चों के पासपोर्ट पे है माय नेम इज आर आई टी आई एस एच होकर जैसे बेस करी गई है कि फोकलोर है तो ऐसे ही आप क्योंकि एक एक महाराष्ट्र छोटी सी जगह से आते हैं लातूर जी आ, तो ऐसी कोई कहानियां ऐसे कोई फोकलोर आपको पता है महाराष्ट्र के जो आपने सुने हो मतलब जो आप छोटी सी जगह कह रहे हो अभी रितेश भाई ने उससे पहले बताया कि इंडिया का सबसे पहला मॉल लातूर में था जी अच्छा इन 1911 1911 हां ओके सबसे पहला मॉल इंडिया का लातूर में बना था इट वाज बिल्ड बाय द निजाम्स देन वन ऑफ प्राइम मिनिस्टर निजाम मुझे भी अभी पता चला hmm. uh, हालांकि मैं उस मार्केट में इतनी बार घूम चुका हूँ hmm. uh, पर uh, पहला मॉल था ये नहीं पता था बट इट इट्स यूनिक बिकॉज़ बिकॉज़ इट्स अ सर्कुलर प्लेस और डायगोनली 16 रस्ते जाते हैं 16 रोड्स hmm. okay. और 16 रस्तों में अलग-अलग दुकानें बनी हुई है अच्छा पुरानी मतलब कहीं नहीं। पर जनरल uh, स्टोर्स है कहीं पर ग्रीन्स है कहीं पर वेजिटेबल्स है ऐसा वो मार्केट बना हुआ है इट्स कॉल गंज गोलाई तो यस सो दैट्स वो लातूर की लातूर से मैं आता हूँ uh, मुझे लगता है गांवों में ना छोटी छोटी कहानियाँ बहुत uh, ज्यादा होती हैं जैसे uh, कहानी तो नहीं मैं बताता हूँ आई आई स्टे इन ए हाउस

और बात होते होते हम लोग फिर जैसे सीरिया उतर के आए तो सामने मंदिर था तो दैट आल्सो वॉज मेड बाई स्ट्रेट अवे वेंट टू सी द स्टोन्स ओके आप स्टोन्स देख रहे तो और क्या मंदिर के बाहर हर इसमें पुराने पत्थर रखे होते ही स्टार्टेड रीडिंग द स्टोन्स तो ये तुम्हें तो कि इस गांव को क्षत्रिय परंपरा है तो आई सेड होगी बिकॉज यू नो देशमुख क्षत्रिय तो आई एम श्योर बिकॉज नो 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 आपको क्या लगता है कितना साढ़े तीन सौ साल इज आई वॉटन वो है आई एम टॉकिंग अबाउट एट ए डी ट्वेल्व ए डी ये सब ये उतने पुराने हैं वहां पर देखो देन ही शोड एक हाथ है ऐसा तो दैट डिपिक्स की यहाँ पर किसी की मौत वॉर में हुई है फिर वहां पर दूसरा यहाँ पर 600 साल पहले सती की परंपरा होती थी यू नो वट एवर सो यू सडनली रियलाइज स्टोन रखे हो ना पत्थर टूटे हुए हैं, सो यू रियलाइज दैट हालांकि हम लोग उस गांव में रहते हैं पर उस गांव की हिस्ट्री कुछ हद तक ही हमको पता है स्क्रिक्षर 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 और जो कहानी उन पत्थरों पे लिखी है वो आपको बताती है कि ये आप जो साढ़े तीन सौ साल सोच रहे हो ये तो ये तो, हजार, ये तो हजार साल पुरानी बात हो गई, तो फिर उसके पहले क्या था आपने कभी सुना ऐसे काला बंदर और ये जब आप रहते थे प्याज वाली चुड़ैल मंकी मैन मंकी मैन नहीं ऐसा तो नहीं सुना बट हाँ हमारे में मतलब जिन विन की बहुत बात होती है जिन होते हैं

Okay. So, बट वीलो होते हैं ये आप अगर, अगर मेरा जो दधियाल चले जाए तो कोई फुपी होंगी जो कोई खाला होंगी जो पान बना के खाती होंगी और oh, वो आओ बेटा कहानी सुनाते हैं तो ये होता है यहाँ पर इस चीज की स्टोरी टेलिंग बहुत है स्पेशली इन माई पटर्नल साइड ये है एक मुझे और बात

बट ऐसा होता नहीं है बट वी जस्ट फन क्रैक जोक्स अदर स्टोरीज एड टू बिट्स प्ले गेम्स लाइक वी यूज्ड टू सिचुएशन गेम दैट ही केम अपन थाउजेंड 25 नाइट्स वी बैक चार्थ Because चार्थ horror picture है, है रात को ही होनी हाँ। और रात को एक टाइम आता है यार कंटाल का टाइम आता है कि क्या हो रहा है मैं आ रहा हूं कि जा रहा हूं। बहुत सारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स जैसे हुँ। आप लोग खुद हॉरर फिल्म में इतना काम नहीं करते हम नहीं देखते कि इतने मेन स्ट्रीम एक्टर्स आ रहे हैं लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है कि सब लोग हॉरर कॉमेडी की वजह से शायद जो हॉरर जॉनर खुला है

Slight scare, but it—it it was a different kind of horror. It—it right? was mm. horror with a uh, certain sensuality attached to it. Mm. Um, mm. Uh, there's uh, pure horror was Bhoot, right? And um, pure uh, Shaitan. I don't know whether you call it horror film, but it was a it's thriller, a horror, 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 horror thriller, horror thriller. thriller film. Mm. And uh, then there are various. Um, I would say um, horror comedies that are there with Akshay did. ऐसा uh, भुल um, um, so uh, uh, so नहीं है कि इनके अलावा बहुत सारी फिल्म ना हो यू uh, नो you know, ये बन भी बहुत कम रही है एंड नॉट दैट एवरी टाइम यू मेक इट इज गोइंग टू वर्क एंड ये बनाना भी मुश्किल है, देख, देख, है क्या मुझे क्या लगता है इसके बारे में भाई मुझे लगता है कि uh, इतनी फिल्में बनी नहीं है हॉरर स्पेस में और क्या होता है फैक्ट दॉर फिल्म एज सच सो देर दे कुलाइटली बट जितनी बन पहले हॉरर कॉमेडी भी नहीं बनती थी भाई hmm. अब हॉरर कॉमेडी बन रही है एंड वी रियलाइज देट ऑफ द ऑडियंसिस थिंग लाइक दैट बट now I don't think actors have that aversion. There's

indian horror needs to be rooted right. in the belief system of indian culture correct correct there has to be some backstory so that, some that connect a indian feel, so a without going to the usual tantric route or whatever like a tumbar or a munja oh, so moody so both these films are so moody there's, there, there is so much more than just there's a folk, folk, folklore to it right correct. there's a story attached to it बहुत बहुत मजा है मुझे आपके साथ करके सारे ऐसे छोटी-छोटी हमने बातें किससे डिस्कस किए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ देखी देखी तो ऑडियंस जल्दी जल्दी से से अब इस पॉडकास्ट के बाद जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, वो जाके देखो Z5 पे आ, आ, फीचरिंग रितेश रितेश so so देशमुख और, और मैं हूं साकिब सलीम और आप सब्सक्राइब करें खूनी मंडे को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो दोस्तों काकुदा लाइव हो चुकी है Z5 पर रितेश साकिब और सोनाक्षी के साथ काकुदा को जल्दी से पकड़ो और अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो तो यूज करो फ्यूजन फ्लाई बेस्ट फ्लाइट के रेट्स और एकदम बढ़िया कस्टमर सर्विस दोनों मिलती है फ्यूजन फ्लाई पर यूज करो हमारा कूपन कोड टू गेट द बेस्ट डिस्काउंट्स दोस्तों अगर आपको रितेश देशमुख और साकिब के साथ ये एपिसोड पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल खूनी मंडे